नमस्कार, मैं श्यामराव मोकाशी। रिक्शा चालक, अभी जाके रिक्शा का परमिट निकाल दिया है कि नहीं? जल्दी जाओ, रिक्शा का परमिट निकालो। और अभी दूसरे को किसको सीट भी देने का ज़रूरत नहीं, दूसरे का भाड़ी चढ़ा भाड़े से गाड़ी चलाने का कोई भी ज़रूरत नहीं। आप तत्काल चालकों के लिए ये परमिट है, जो रिक्शा चलाएगा उसका ही परमिट बचेगा। तो आप RTO में जाओ, बिंदास रिक्शा का परमिट निकालो, नया गाड़ी ले लो और अपना मीटर से व्यवसाय कर लीजिए। और मुंबई RTO में जाके वो मीरा भाईंदर वसई विरार कल्याण जाने के लिए जाके तुरंत परवानगी पत्र लेके आओ और अपना व्यवसाय करो। अभी रुकना नहीं, किसने भी परमिट लेके निकालना है। अभी बैंक भी 100% लोन देती है, बाकी का कुछ नहीं। और ये भी ध्यान रख दीजिए, वसई विरार में जो लोग रिक्शा वाले रहते हैं वो लोग ने NOC निकाल के उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी ये स्पर्धा का युग है, अभी सब जगह देखो काम धंधे नहीं, कुछ भी नहीं, बेकारी बढ़ रही है। और अभी किसका सुनना भी ना कुछ नहीं रे बाबा नो, सब लोग बोलते हैं अभी रिक्शा का धंधा नहीं होता, धंधा नहीं होता। अभी परमिट राज ही ख़त्म हो जाएगा, परमिट राज ही ख़त्म करना है तुमको। सब ऑनलाइन से ही काम करना है। तुम्हारा रिक्शा का पासिंग भी 600 रुपये में होते, तुम खाली वीडियो देखो और शेयर करना है सबको, वीडियो शेयर करना है। मूच वाले मोकाशी यूट्यूब का वीडियो देखना है और अपना काम करना है तो आपको बहुत राहत मिलेगी। जो आपको लूटते हैं, आपका पैसा खाते हैं, आपको फंसाते हैं, वो सब लोग को आपको समझेगा। इतना ही मैं आपको बोलूँगा, ऑनलाइन से 600 रुपये भरो। तुम्हारे पासिंग के लिए ऑनलाइन से ही अर्जी करने का रहता है, गाड़ी का सब पेपर वो के मंगता है। और ट्रैक पे जाने का जिस दिन का टाइमिंग है वही दिन वो तारीख आपको तुरंत मिलता है, वो दिन गाड़ी आपका व्यवस्थित बना के लेके जाना है, उधर पासिंग करेगा ना तो ऑनलाइन से ही फिटनेस मिलता है, क्यूर कोड वाला फिटनेस है वो। काई के लिए किसको मांगना नहीं, किसको मस्का मारना नहीं, क्या नहीं, खाली तुम लोग डरते हैं हमको साहब हमारा काम करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, वो ऐसा बोलता है, वो तो ऐसा बोलता है। काई के लिए सुनना है उनका, पैसा बचाना है तो बिंदा सबको काम करना है। और सबका मीटर भी चालू रखो, मीटर से ही व्यवसाय करो। अभी देखो बस का भाड़ा भी कम होने वाला है रे बाबा, सब पूरा महाराष्ट्र का बस का भाड़ा कम हो जाएगा। अभी मेट्रो चालू हो रही है, मेट्रो का भाईंदर से बांद्रा तक हो जाएगा तो और फर्क पड़ेगा ना। आप बोलते हैं हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और सब जन ने पेपर है ना अपना पेपर, सब पेपर सही ढंग से रखो बाबा, फाइन बहुत बड़ा है। और वो वाहतूक अधिकारी फोटो निकालता है ना, फोटो निकालेगा तो एक एक के रिक्शा पे देखेगा ना, 10,000, 12,000, 20,000 तक फाइन है, किधर का फाइन भरेगा इतना। तो पेपर अपडेट रखो, गलती मत करो, नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ा मत करो, कॉर्नर पार्किंग मत करो, और मीटर से धंधा करो, भाड़ा नकारो मत, और गले में ओलक पत्र लगाओ। और अपना गाड़ी है ना वो अच्छा ड्राइवर है, आपके पहचान का है, जिसके पास लाइसेंस मिला है उसको ही चलाने के लिए दो। देखो अभी जो फाइन होता है ना तुम्हारे खाते पे जुड़ रहा है, ये चलन हो रहा है, और सब जन हवलदार दिन भर फोटो मारते हैं ना, आप बोलते हैं हमको किधर पकड़ते हैं, हमको किधर पकड़ता है, हमको किधर पकड़ता है। फिर फाइन देखो आपके मोबाइल पे भी आपको फाइन दिखेगा कितना है, एक एक के रिक्शा पे 20,000 फाइन है, 25,000 है, 10,000 है। तो आप गलती करेंगे तो हवलदार लोग क्या है, हवलदार बोलते हैं फ़ोटो निकाल के जाते हैं, और हवलदार लोग मांडवली भी करता है ना, और तुम मांडवली करते हैं। अभी फाइन बड़ा है ना, अभी समझो तुम्हारा परमिट ख़त्म हो गया तो 10,000 फाइन है ना, तो इसके लिए तुम लोग भी हवलदार मांडवली करता है, 2,000 दो, 1,000 दो, ऐसे चक्कर चलाते हैं। और हवलदार भी कितना लूटते हैं, पार्टी वाले तो पैसा उधर खाते ही है ना, उनके सब दोस्त लोग हैं ना, और तुम उनके दोस्त के पास ही जाता है। तो खुद ऑनलाइन से काम करो ना, तुम्हारा लाइसेंस फेसलेस सेवा से होता है, पत्ता उसका बदली होता है, सब ऑनलाइन से होता है, तो भी तुम बोलता है RTO वाला काम करता नहीं, तुम पूछता है काहे के लिए। मूच वाले मोकाशी यूट्यूब का वीडियो देखना है, सबको शेयर करना है, अपने ही मोबाइल से काम करना है, और गले में ओलक पत्र लगाने का है, ड्राइवर सीट के पीछे हेल्पलाइन नंबर लगाने का है, और धंधा करो बाबा। और जिसको परमिट नहीं ना, जाके तुम पहला परमिट निकालो, कितना गाड़ी बढ़ता है बढ़ने दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो क्या है आप बोलते हैं ना गाड़ी बहुत बढ़ रहा है, कुछ गाड़ी नहीं बढ़ेगा, और तो कितना भी परमिट आएगा ना, जो चलाते नहीं ना गाड़ी, नौकरी वाले है, काला बाजार से परमिट बेचा है, बैंक का पकड़ेला गाड़ी बेचता है, तुम गाड़ी परमिट निकालेगा ना, तुम्हारी नया गाड़ी रास्ते पे आएगा ना, वो गाड़ी रास्ते पे ही सड़ेगी और परमिट ही उसका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करो बोलने का भी नहीं, नौकरी वाले का है, इसका है, बोलना ही नहीं। तो जो चलाएगा रिक्शा उसका ही परमिट बचेगा। हाँ, और कागज़ पत्र फोटो मत दो, और जो मुंबई में रिक्शा का परमिट है और वो सही विरार में रहता है, वो लोग ने तत्काल
आधार कार्ड का बदली पत्ता बदली करना है वैसे विरार का, और अपना रिक्शा का NOC बम्बई से लेके उधर विरार RTO में रजिस्ट्रेशन करना, ये भूलो मत बबानो। और मुंबई महानगर क्षेत्र का परवानगी पत्र भी RTO से जाके लेके आओ। दिन भर हवलदार पकड़ते हैं, गाड़ी में रखो और परवानगी पत्र में लिखा है उसमें किधर भी धंधा करो आप गाफिल मत रहो बाबा। गले में उड़क पत्र तो लगाना है, 50 रुपये में मिलता है। खुद पासिंग करो, खुद अपना HP उतारने का है तो खुद करो ना बाबा। ये खिड़की योजना अंतर्गत होता है, दूसरे को तुम पूछेगा ना उसने सेंडी लगाया समझने का, तुम्हारा पैसा ही खाया समझने का। तो मूछ वाला मौका सी YouTube का वीडियो देखो, और बहुत वीडियो है इसमें, 1200-1300 वीडियो है। डेली का तुमको फंक्शन आता है, क्या चल रहा है, कैसा क्या है, ये आप लोग नहीं सुनेगा ना तो सब पकड़ा जाएगा, फाइन मारते हैं, आपका 2 पैसा कष्ट का कमाए खत्म हो जाता है। तो देखो आपके हिसाब से सब करना है, मेरा किसको अच्छा लगता है उसने ये YouTube भी फॉलो करो, अब थोड़ा थोड़ा सुधारना करते रहो, आपको जैसा जैसा समझेगा ना तो ऑटोमेटिक वो हट जाएंगे, ऑटोमेटिक हट जाएंगे, वो रहेगी ही नहीं। हंसाने वाले हैं ना वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे ना, काहे के लिए उसका टेंशन लेना है। तो YouTube देखना है और वीडियो देखो, शेयर भी करो तो आपको उसमें का माहिती मिलेगा, वही मैं आपको बोलूँगा। तो देखो आपके हिसाब से आपको पसंद आया होगा वीडियो, आपको कुछ अच्छा लगता होगा तो तुरंत वीडियो शेयर करो, सब रिक्शा वाले को करो, ये राज्य के लिए कायदा रहता है ना, कोई भी कायदा राज्य के लिए रहता है। तो धन्यवाद मूछ वाले मौकाशी, YouTube देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।